तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये और सहायिकाओं को 4500 रुपये मानदेय की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस खुशी को जाहिर करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार प्रकट करने के लिए शुक्रवार को झारखंड प्रदेश वर्कर्स यूनियन के तत्वाधान में नगर उटारी अनुमंडल के सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप मुख्यमंत्री आभार यात्रा सह जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीणा सिन्हा, विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा, प्रदेश संयोजक रामचंद्र पासवान, जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी, जीप सदस्य बाला रानी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी ने सभी अतिथियों को बारी बारी से बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीणा सिन्हा ने कहा कि झारखंड राज्य में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन वर्षों से लंबित हम लोगों की मांगों को किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया। हेमंत सरकार ने सेविका सहायिकाओं की मांग पूरी की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा जोबा मांझी को भी धन्यवाद दिया। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जो काम किया है आज तक कोई नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली लड़ाई केंद्र की भाजपा सरकार से है। हम संघ के लोगों ने पूरे एकजुटता के साथ 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक झारखंड से 5001 सेविका दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पर 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को केंद्र सरकार से मनवाने का काम करेंगे। हमारी सेविका बहन को चेहरे पर मुस्कान आई है, रौनक आया। कछुए के चाल की तरफ पैसा पड़ता था, 200, 300, 500 और उसमें भी लाठी खाना पड़ा था। लेकिन ये मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री को जिस तरह से अपने अपना जो वादा किया मंच पर 2019 के आंदोलन में मंच पर आकर के, और जिस हम ही को आंगनबाड़ी को नहीं, जिनको जिनको वादा किया, ये जवान नौजवान मुख्यमंत्री एक एक काम को करते जा रहे हैं। एक चाहे पारा भाई हो या मनरेगा हो, आज आंगनबाड़ी सेविका को आज 47 बरस में जो पैसा बढ़ोतरी के अतिरिक्त मानदेय नहीं बढ़ाए, वो हेमंत सोरेन जी अपने कार्यकाल में पूरा करके दिखा रहे हैं, जो कि 3,500 रुपया 3,100 रुपया एक साथ कभी नहीं बढ़ा। और आज ये लंबी लड़ाई 18 साल का, और 4 साल का जैसे हड़ताल के साथ लड़ाई जो लड़ा गया आज देखने को मिला। 9 सूत्री मांग था हमारा, 9 सूत्री मांग पूरा हुआ, 8 सूत्री पूरा हो गया। 1 सूत्री मांग जो है वो केंद्र सरकार के लिए है, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। इसके लिए आज हम लोग आभार प्रकट करते हुए आंदोलन की भी रणनीति तैयार किए। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, फतह करो, कर्मचारी का दर्जा दो। सेविकाओं का 13 माह का पुरस्कार का राशि बाकी है, आपके द्वारा आखिरी चरण क्या उठाया जाएगा? 13 माह के पोषाहार बाकी है। अभी हम 5 तारीख को सचिवालय में सचिव से वार्ता भी किया था, उन्होंने कहा कि पैसा जो है सो आपका जो इन लोगों किसी तरह से कोई गलती कमी के कारण हुआ है उसको हम सुधारते हुए आपका पोषाहार का पैसा 1 सप्ताह के अंदर भेज रहे हैं, दिलाने का काम करेंगे। और जो बकाया का हिसाब किताब चाहे मानदेय बकाया है वो जो है से आपको जो है से कि राज्य सरकार भी हमको आश्वासन दिया उस दिन 24 तारीख को जो हम लोगों का वार्ता हुई थी कि ये जो है सो आपको जैसे राज्य सरकार पैसा देगी और केंद्र सरकार से जो पैसा आएगा वो जो है से अपने रख लेगा। इस तरह से हर महीने 6 तारीख तक पैसा देने का काम। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है वो हम लोगों को सेविका को 3100 रुपया का बढ़ोतरी किए हैं और सहायिका को 4750 रुपया का बढ़ोतरी किए हैं। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी 9500 रुपये यानी 3100 रुपया का बढ़ोतरी किए हैं। इसलिए आज हम नगर उटारी परियोजना की सारी सेविकाएं 204 नगर उटारी अनुमंडल की 204 सेविकाएं हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज उनको हम लोग ढुरकी के भी यहाँ पे सेविका आई हुई है और हम लोग आज यहाँ पे आभार प्रकट कर रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने का काम किया हम उनसे बहुत खुश हैं। इसलिए हम आज यहाँ पर परियोजना से लेकर के हेनो मोड तक रैली निकालने का काम कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को, जोबा मांझी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे
जितने भी अधिकारी लोग हैं नीचे से ऊपर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हम लोग का जो मान सम्मान के साथ पैसा का बढ़ोतरी किया गया है, इसलिए हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से हम लोगों का केंद्र सरकार भी पैसा बढ़ाए और वो भी सम्मान पाने का हक रखे। आज मुख्यमंत्री जिस तरह से पैसा बढ़ाए, आज संकट स्थिति आने में भी वो नहीं घबराए, इसलिए हम सभी 80,000 सेविका सहायिका बहन उनके साथ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, घबराने की जरूरत नहीं है, हम सेविका सहायिका जीते जी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी। पोषाहार की राशि अभी तक आप लोग का नहीं? जी नहीं सर, अभी तक हमारी पोषाहार का राशि नहीं खाते में आई हुई है, लेकिन आज मैडम हमारी जो समाज कल्याण गढ़वा की पदाधिकारी मैडम है, वो मैडम हमारे बीच में आई सम्मान समारोह में और वो बोली कि आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। हम लोग उनका इंतजार करें, अगर हम लोग का पैसा आ जाता है तो पुनः हम लोग खिचड़ी बनाने का काम करेंगे और सारा कार्य हम लोग करने के लिए तैयार है, इसलिए मैडम का आदेश का हम लोग अनुपालन करेंगे और करते आ रहे हैं। हमारी जैसे ही खाता में पैसा आता है मैडम, हम लोग खिचड़ी नाश्ता चलाने के लिए तैयार हैं।